नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जंक्शन में जिला क्लब की दीवार के पास चाय बनाने वाले खोखे, जो कि जय नारायण का चाय का खोखा बताया जा रहा है, उसमें चाय बनाते वक्त गैस का सिलेंडर फटा। गैस सिलेंडर फटने से पूरा खोखा और सारा सामान हो गया राख। दो मोटरसाइकिल आधे से ज़्यादा जले। दूर दूर तक खोखे के तथा सामान के चीथड़े उड़े। जोर का हुआ धमाका। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जब लोग वहां पर भागकर गए तो पता चला पास में जिला क्लब में संडे होने के कारण खिलाड़ी भी अपने खेल की प्रैक्टिस कर रहे थे। वह भी दौड़ कर आए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और गैस सिलेंडर फटने से चारों ओर कचरे के चीथड़े उड़ चले। पेड़ तक उड़े चीथड़े। इस संबंध में कलम न्यूज के द्वारा जैन रैन, जो चाय वाला खोखे वाला है, उससे बातचीत की। उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। कल दो सिलेंडर ले आए, दोनों लीक था, वापस कर दिया सर मैंने। अभी मैं सेठी मिल गया रास्ते में, तो सिलेंडर से लिया मैंने, लगाया। मुझे सेठी जी ठीक है, बोला बिल्कुल ठीक है, चिंता ना करो। ये लगाया तो ये भी लीक था, साइड से लीक था, आग पकड़ लिया। तो आज आप खोखे पे आ गए थे या अपने आप ही अंदर ही लीक था सिलेंडर? मैं लुक लोटे सब लगा दिए साहब, लगाते साइड से सुर के लीक करते आग पकड़ लिया। तो कितने करोड़ का नुकसान हुआ है? अब मैं क्या बताऊँ, मुझसे बोलने से क्या फायदा। ये सिलेंडर लीक के कारण हुआ है? लीक के कारण बाबूजी। क्या नाम है आपका? जय नारायण सर। ठीक। आपको बता दें कि चाय बनाने वाले जय नारायण, जो खोखा लगाकर जिला क्लब के पास बैठे थे, उन्होंने बताया कि इंडियन गैस एजेंसी से हमने सिलेंडर लिए थे और दो सिलेंडर पहले भी लीकेज के कारण वापस किए और तीसरा सिलेंडर भी इंडियन गैस एजेंसी का लिया गया, सेठी से लिया गया है गैस सिलेंडर। और उन्होंने बताया कि यह गैस सिलेंडर भी नज़दीक था, जबकि जय नारायण ने गैस एजेंसी वाले से पूछा कि यह लीक तो नहीं है। उन्होंने बताया कि नहीं, ठीक है, परंतु यह तीसरा सिलेंडर भी लीक निकला, जिसके कारण आज जिला क्लब हनुमानगढ़ के पास चाय के खोखे पर जय आग लगी है। आग लगने के बाद 40 से 50 हज़ार का जय नारायण नुकसान हुआ बता रहे हैं। और जबकि भगवान का शुक्र है कि कोई जान माल और जान की नहीं गई। दूर थोड़े दूर बैठे थे, भागकर उन्होंने जान बचाई और पूरा खोखा जल गया। सबसे बड़ा सवाल कि गैस एजेंसियां सिलेंडरों को चेक करने के बाद क्यों नहीं देती है, और फिर रसद विभाग का भी अंकुश इन पर क्यों नहीं है, ये सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जान नहीं गई है, परंतु इस प्रकार की घटने से गैस एजेंसियों अथवा रसद विभाग पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि इनकी चौकसी बिल्कुल भी इस तरफ नहीं है। सिलेंडरों को चेक करने के बाद क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों में यही बात कही गई कि इस प्रकार गैस एजेंसियों की मनमानी हो रही है, जिससे लोगों के जान को खतरा भी बना हुआ है। मौके पर मौजूद खिलाड़ी अश्विनी शर्मा, जिन्होंने सारा दृश्य देखा है, जो एक खिलाड़ी हैं, आइए सुनाते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या विचार प्रकट किए हैं और घटना को किस प्रकार उन्होंने देखा है। आज मैच था और हम मैच के लिए आए हुए थे, 30 के आसपास लड़के होंगे यहाँ पे, और अचानक से इस खोखे में यहाँ पे सिलेंडर था, सिलेंडर में नीचे से आग लग गई। तो इनिशियली तो जब आग लगी तो हल्की सी आग लगी थी, तो सब लोग दूर हो गए। फिर बाद में आग ने तेज़ी पकड़ ली और अचानक से फिर ब्लास्ट हो गया, और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ऐसा ब्लास्ट मैंने मतलब मूवीज़ में ही देखा है, ऐसे नहीं देखा लाइव कभी। तो दो बाइक जल गई हैं, एक साइकिल जल गई है, और थैंकफुली किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। एक बच्चा बहुत पास खड़ा था अपनी बाइक बचाने के लिए, वो ब्लास्ट से एक मिनट पहले ही दीवार के इस साइड कूद गया और वहाँ पर उसकी जान बच गई। तो बट काफ़ी नुकसान हुआ, पूरा खोखा जल गया है उस गरीब आदमी का, जो यहाँ पे खोखा चलाया करता था, काफ़ी 20-25 साल से खोखा चला रहा है, एंड उसका सब कुछ पूरा नुकसान हो गया। क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया, कि सिलेंडर के कारण लगी है किसी और कारण से लगी है? जो मुझे जानकारी मिली है, जो खोखे के ओनर हैं उनसे, वो ये कि सिलेंडर के नीचे आग लगी, उन्होंने ये बताया। और सिलेंडर, उन्होंने ये भी बताया कि दो सिलेंडर पहले भी वो बदल चुके हैं पिछले 3 दिनों में, क्योंकि दोनों पहले वाले सिलेंडर भी लीक कर रहे थे। तो ये जो तीसरा सिलेंडर लाए, ये भी लीक कर रहा था। तो मेरे को श्योर नहीं है कि कहाँ से ये सिलेंडर ला रहे हैं, जहाँ से लीक किए हुए सिलेंडर इनको दिए जा रहे हैं।
और फिर ये सिलेंडर नीचे से ही आग लगी है उनके हिसाब से, तो ये बता रहे हैं कि पाइप में या सिलेंडर के नीचे। कोई आपकी तरफ से या इन खोखे वालों की तरफ से कोई गैस एजेंसी को इस बारे में सूचित किया हो कि इतनी बड़ी घटना हुई है कि कहीं ना कहीं गैस एजेंसी की तरफ से भी लापरवाही है? हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे हैं कि 3 दिनों में 3 सिलेंडर चेंज किए हैं और तीनों सिलेंडर लीक कर रहे थे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लापरवाही रही है गैस एजेंसी की तरफ से। अभी तो हम बाइक के इंश्योरेंस वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं उसका क्या होता है, उसके बाद डेफिनेटली गैस एजेंसी को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये कैसे हुआ कि लगातार 3 सिलेंडर लीक कर रहे हैं और ब्लास्ट हो गया। आपको बता दें कि गैस एजेंसियों के द्वारा प्रत्येक सिलेंडर का जिनको व्यक्ति को कनेक्शन दिया हुआ है उसका बीमा करवाया होता है। अब जैन रैन को जो कि गरीब व्यक्ति है, चाय बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था और ये खोखा पूरा जलने के कारण, सारा सामान जलने के कारण बेघर हो चुका है। क्या गैस एजेंसी, इंडियन गैस एजेंसी, इस जैन रैन चाय वाले को इसका हर्जाना देगी? क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देकर गैस एजेंसियों के द्वारा जो लीकेज सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे हैं उस पर क्या रोक लगाएगा, जहां इस प्रकार की घटनाएं देखते हुए अपने हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? यह है सबसे बड़ा सवाल, जनता की आवाज़ है। जनता भी कह रही है कि गैस एजेंसियों को सभी सिलेंडरों को चेक करने के बाद ही दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं हमारे सभी के लिए दुखद है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।